नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त एक खबर के साथ। दरअसल में सीएम योगी आदित्यनाथ रामपुर के विलासपुर विधानसभा सीट पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने मीलक ग्राम रजौड़ा के पास यूनिवर्सल डिग्री कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया और सपा पर जमकर हमला बोला। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि रस्सी पूरी जल जाती है पर ऐठन नहीं जाती है। भाइयों बहनों, हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं। कोरोना में सबका उपचार बराबर किया गया है, जो बाहर थे उनका भी फ्री में उपचार किया गया। जो एक कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐठन नहीं जाती, कुछ लोगों की ऐठन अभी भी नहीं जा रही है। रस्सी जल नहीं है लेकिन ऐठन नहीं जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर भी भेदभाव नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। हमने कोरोना में सबका उपचार बराबर किया, जो बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार और जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया। अगर फ्री में उपचार नहीं कराते तो बहुत सारी स्थितियां हो जाती। उधर शाजापुर की सदर तहसील में तैनात लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि किसान के वारिसान प्रमाण पत्र में रिपोर्ट दर्ज कराने के नाम पर आपको बता दें लेखपाल ने रिश्वत की मांग की थी। इस दौरान लेखपाल को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। एटा के अलीगंज विधानसभा के पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव के घर पर न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के आरोप को लेकर यह कार्रवाई की गई है। वहीं उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव के सरेंडर ना होने पर जल्द ही संपत्ति कुर्क भी की जा सकती है। कन्नौज में ग्राम समाज की 5 बीघा जमीन को प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। भारी फोर्स के साथ पहुंचे नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह ने इस दौरान बुलडोजर भी चलवाया। गांव के दबंगों के कब्जे कर बनाई गई 18 दुकानों को ध्वस्त कराया गया है। वही वाराणसी के विधायक सौरभ श्रीवास्तव और बीकानेर कंपनी पर FIR दर्ज की गई है। बता दें कि विधायक और कंपनी पर लूट समेत गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की गई है। बीकानेर कंपनी पर किराए वेयर हाउस को लेकर हड़पने का आरोप लगा है। एग्रीमेंट खत्म होने पर भी वेयर हाउस खाली न करने पर आरोप भी लगा है। जिला न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के आदेश पर दादरी थाने में विधायक और कंपनी समेत 6 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। शाहजहांपुर में मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने एक महिला की गिरफ्तारी की है। इसके पास से 1 किलोग्राम तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 1 किलोग्राम चरस भी बरामद की है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। तो ये मामला जहां पर शाहजहांपुर से निकलकर सामने आया, जहां पर पूरी तरह से यहां पर जानकारी ली गई है। कोतवाली पुलिस ने एक महिला की गिरफ्तारी की है। इसके पास से 1 किलोग्राम चरस बरामद हुई है। महिला का नाम रईसा है, सदाबाजार की रहने वाली है। इसका पति भी उत्तराखंड में जेल में है, अब्दुल हमीद। 3 सालों से जेल में होना बताया गया है। इस महिला के बारे में पहले से सूचना चल रही थी, पुलिस ने इसके बारे में जानकारी की थी और अपने मुखबिरों को लगाया हुआ था। इसे गिरफ्तारी की गई, आवश्यक पुलिस कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर के शास्त्री नगर कॉलोनी में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी से हुए मामूली विवाद को लेकर घर के सामान में आग लगा दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग को बुझा दिया। बता दें कि तब यह मामला जब सामने आया
जब आरोपी की पत्नी मायके में थी और पति का फोन भी उस पर फोन लगाकर उससे कुछ विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है, लेकिन ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें इस बात की बानगी करती हैं कि किस तरह से एक शराबी नौसिखिए पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से एक मामूली विवाद को लेकर अपने ही घर के सामान में आग लगा दी, जिसके बाद सूचना मिली और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन ये तस्वीरें जिस तरह से धधक रही है, ये आग इस घर के सामान में ये आग लगी और शराबी पति का पत्नी के साथ विवाद हुआ था, फोन पर यह विवाद हुआ था। बता दें कि पत्नी इस दौरान मायके में थी और उसके बाद उसका फोन पर पत्नी से किसी बात को लेकर बहस हुई और इस बहस और कहासुनी के चलते पति ने घर के ही सामान में आग लगा दी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के बलरामपुर जिले के थाना रेहरा बाजार के ग्राम सभा बंजरिया हुसैन में आपको बता दें एक युवक ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आपको बता दें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच में जुट गई है। क्षेत्र रेहरा के ग्राम बंजरिया हुसैन में आज सुबह एक घटना हुई है, जहां पे आफताब अहमद को उनके ही सगे छोटे भाई ने चाकू के द्वारा मारकर हत्या कर दी गई है। थाना रेहरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कारण जो बताया गया है वो घरेलू विवाद रहा दोनों भाइयों के बीच में और इसी को लेकर सुबह कहासुनी हुई और उसके बाद जो है छोटे भाई ने हमला किया और उसको चाकू से मार दिया। आपको बता दें बेहटा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें एक ससुर ने अपनी ही बहू की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये पूरा मामला हरदोई का बताया जा रहा है, जहां पर घरेलू विवाद को लेकर ससुर ने लाइसेंसी हथियार से राइफल से गोली मारकर बहू की हत्या कर दी। ससुर भागने की फिराक में था, लेकिन उसे राइफल के साथ हिरासत में ले लिया गया है। सूचना पर एसपी ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की और बताया कि पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां मिट्टी के डंपर ने एक किशोर को रौंद डाला, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जमकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। और इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।